आप पुलिस से ले जाओगे तो मैं वो करूंगा। इसकी आवाज तो बहुत ही भयंकर है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। होप कि यार आप लोग जबरदस्त होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही खतरनाक होने वाला है। सॉरी मैं थोड़ा हाफ रहा हूँ, बिकॉज मैं अभी पहाड़ी चढ़ते हुए ऊपर आया हूँ एक बहुत ही खतरनाक गद्दी डॉग के साथ। ठीक है, तो मेरी सांस फूल गई है, पर डॉग वैसे के वैसे खड़ा है वहाँ पे, तो मैं आपको डॉग दिखाने वाला हूँ। ये रहा वो डॉग, देखो एक गद्दी डॉग है। इसका नाम है क्या नाम भैया इसका? इसका नाम है भोला। और काफ़ी नीचे से हम दौड़ते हुए पहाड़ी में ऊपर आए हैं, मैं दिखाऊंगा आपको, शॉट डाल दूंगा। तो इस डॉग से मिलाने वाला मैं आपको आज, तो सारी इन्फॉर्मेशन इस डॉग के बारे में पूछेंगे, भैया कहाँ से लाए, कितने एज का है, क्या डाइट रहती है और कैसे इन्वायरमेंट में ये आराम से रह सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन पूछने वाला भैया से मैं आज। अगर आप चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भैया सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए मुझे, या आपका नाम क्या है और अभी हम किस जगह पे हैं, अभी बता दीजिए। अच्छा कन्नू भैया आप हो, तो दीपक है, तो कन्नू भैया से फोन में मैंने बात करी थी। तो भैया लोकेशन क्या रहती है? भवाली। तो किसी को आ रहा है तो एग्जैक्ट भवाली में आ सकते हैं, तो उसके बाद तो ज़्यादा दूर नहीं है, PWD ऑफिस है उससे बस। उसके बाद आप किससे पूछ लेंगे ना कि कन्नू भाई किधर रहता है, इनका एक बहुत ही बड़ा गद्दी डॉग है, तो कोई भी आपको बता देगा। मैं भी खुद पूछते पूछते आया हूँ। भैया आपने मुझे लोकेशन भेज दी, मैंने लोकेशन नहीं देखी। ये देखो पहाड़ में ऐसे दौड़ते हैं ये डॉग्स, ऊपर पहुँच गया भाई वो। बोला इधर देख मेरे भाई, इसका नाम भोला है। ये वैसे मतलब इसने थोड़ा सा इसका बिहेवियर ही भोलापन जैसा ही है। भैया बोल रहे थे कि ये किसी को देख के ज़्यादा भौंकता नहीं है, है ना भैया? अननेसेसरी नहीं भौंकता, जब उसे लगता है कोई दिक्कत करने आया है तो सीधे सीधे एक्शन ही दिखाता है। आप ये बताओ कि आप ये डॉग लेके कहाँ से आए हो, कि ये लोकल का ही डॉग है या आप कहीं से लेके आए हो, और आपने खरीदा है कि मतलब क्या सीन है? ये हम मेरे फ्रेंड है ना, हाँ उसे लिया था मैंने। अच्छा, और ब्राउनी इसकी मदर है। ब्राउनी, हाँ रॉजर फादर है इसका। रॉजर नाम सुना सुना लग रहा है, रॉजर काफी बड़ा डॉग। अच्छा अभी तो एक्सपायर हो गया। अच्छा एक्सपायर हो गया, तो उसका बस यही लीटर बचा है, और भी जगह लीटर है उसके? और भी है, और भी है ना। तो उन सब में सबकी सब ऐसी हो गए हैं, सबकी अलग अलग क्वालिटी रही है? सब देखो हर डॉग अलग अलग, हाँ स्पेशलिटी सबकी अलग अलग है। हाँ पर अच्छा है, इसकी हाइट ज्यादा है, तो वो एनवायरनमेंट के हिसाब से होता है। जैसे किसी ने प्लेन में रखा है उसका इससे साइज कम होगा? देखिए भैया प्लेन में ना हाइट थोड़ा ज्यादा जाती है, हाइट ज्यादा जाती है। अभी हमारे पास दूसरे बच्चे हैं, हाँ उनके भाई बहन काफी हाइट के हैं, 3-4 इंच का अंतर हो गया है। अच्छा इससे और ऊंचे हो गए हैं वो? वो इससे ऊंचे होंगे, और भाई इनका क्या है कि थोड़ा कोट अच्छा है। अच्छा, और चौड़ाई वगैरह थोड़ा सही आता है, थोड़ा पहाड़ में ना डॉग का स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है। पहाड़ में आप बता रहे थे, जैसे कि आप क्या बता रहे थे आप मुझे, कि अभी इसको जब छोटा था एक्सरसाइज कराने कौन से पहाड़ में ले आते थे आप? तो भैया इस पहाड़ी में इनको ले आते थे, मैं आपको दिखाता हूँ, कम से कम बहुत नीचे से ले आते होंगे, यहीं से इसी पहाड़ से नीचे, फिर इस पहाड़ से ऊपर आएंगे, यहाँ से राउंड कराते हुए वहाँ ले आते थे, एक्सरसाइज कराते थे। तो इसको कोई दिक्कत नहीं होती ना? बहुत सारे लोग भैया ये सोचते हैं ना, हाँ छोटे डॉग हैं पहाड़ के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, हाँ कि हैवी डॉग है पहाड़ में सर्वाइव नहीं कर पाए, हाँ लेकिन हम थक जाते हैं। अरे अभी मैं खुद ही आपके पीछे पीछे रहे आगे, वही हम इन्हें कहाँ घुमाते, और इतना बड़ा भयंकर डॉग आराम से चढ़ गया ऊपर ये। तो आपके पास इसकी फीमेल्स भी हैं? इसकी बहनें हैं हमारे पास। तो आपके पास कितने टोटल डॉग हैं ये? हमारे पास तो 5 डॉग। मेल फीमेल कितने होंगे इसमें? हमारे पास है 3 मेल। 3 मेल है आपके पास और 2 फीमेल्स है? 3 फीमेल। 3 फीमेल, 3 फीमेल 2 मेल है आपके पास। तो वो बाकी डॉग्स भी हम दिखाएंगे, अभी तो हम सिर्फ भोला को ले जाए, बिकॉज हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। अभी देख लो 2 चेने बांधी हुई हैं, दोनों भैया ने पकड़ा हुआ, ये घिसते हुए मतलब ले जाता है ना, अगर पर्सनैलिटी बन चुका है यूट्यूब की, और काफी लोग इसे देखना पसंद करते, कितना मस्त लग रहा है, बस मुझ पे अटैक मत करना भाई। इसकी एज कितनी भैया अभी? अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, 2 इयर्स प्लस हो गया। तो ये अपने फुल साइज में आ चुका है, इसके बाद और बढ़ेगा ये? मतलब इस बार थोड़ा और चेंज आएगा। सर्दियों में क्या होता है, थोड़ा सर्दियों में आप देखेंगे तो थोड़ा मोटा हो जाएगा, कोट अच्छा आता है, जैसे कोट अभी इसका गिरा हुआ है, कोट गिरा हुआ है। अच्छा देखो भाई तुम ना ये डॉग देखो, बातें भी सुनो, डॉग भी देखो, आप मैं बता रहा हूँ भाई साहब आप बैठे हो। इसकी हाइट कितनी होगी भैया अभी, और वेट? इसका वेट है भैया 65 के आसपास रहता है। 65 किलो भाई साहब,
32 इंच की हाइट भाई रॉटवीलर से मतलब बहुत बड़ा हो गया है तो बच्चा हो ऐसे सामने मतलब किसकी जरा हाइट बोल सकते हैं इसको ये पाकिस्तानी बुल्ली और ये सब उनके बराबर ना 32 इंच का डॉग है यार। एक बार इसका पैर का साइज दिखाना भैया, मैं पैर का साइज देखना चाहता हूँ कैसा है। पूरा हाथ में पंजा आ गया भाई। अब आपको थोड़ा रिलेट कर पा रहे होगे आप इसका पंजा कितना मोटा है, वीडियो में आप उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे लेकिन हाथ पूरे भैया का हाथ कवर कर दिया इसके पंजे ने, इतना हैवी बोन साइज है। उत्तराखंड के जो भोटिया होते हैं और जो ये आपने बोला गद्दी डॉग है और एक होता है टीएम, तो तीनों में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या अंतर कहाँ जाता है? भोटिया डॉग भी सेम होते हैं, टीएम भी सेम होते हैं, ये गद्दी भी सेम होते हैं, ऐसा है क्या? बहुत सारे लोग अलग अलग ब्रीड सोचते हैं, अब जैसे आजकल दिखाई देती है ना उस हिसाब से तो अलग ही दिखाई देती है साइज वगैरह के हिसाब से, लुक के हिसाब से, लेकिन इस ब्रीड को ना कंट्री वाइज या रीजन वाइज ऐसे मतलब नाम दिया गया गद्दी भोटिया ये। अच्छा, तो एक्चुअल में क्या है ये हिमालयन रीजन की ब्रीड है। अच्छा, एक रीजन की ब्रीड है, जैसे सेंट्रल एशियन शेपर्ड बोलते हैं वो कांगल और अलाबाई को, उसमें अलग अलग कंट्री सेंट्रल एशिया में, ऐसे हिमालय में जितने ये अपने नेपाल हो गया, तिब्बत हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो वहाँ की ये ब्रीड है। अब थोड़ा ये है कि जो अब मॉडर्न ब्रीड हमारे सामने आई है ना चाइनीज हाइब्रिड वगैरह, तो उसके वजह से लोग सोच अब उसको तिब्बतन नाम दिया गया है तो लोग उससे रिलेट करने लगे कि ऐसे डॉग होंगे, लेकिन एक्चुअल में वो हाइब्रिड डॉग है, वो उन्होंने मिक्सिंग करके कुछ सेंट बर्नार्ड वगैरह से बना के बनाई है ना, जैसे बनाए हैं वो। शेर लग रहा है भाई, शेर भैया इसका एक बार मुंह दिखाना मुझे, कितना बड़ा मुंह है, पकड़ना अपने हाथ से ऐसे दोनों हाथों से भाई साहब, भैया आपके मुंह से तो बहुत ही बड़ा मुंह है इसका। इसके दांत दिखा सकते हैं मेरे को, दांत कैसे है, मतलब बस ऐसे ही देखना चाहता हूँ कि ये देखो यार इन दांतों से ये ना तेंदुआ पकड़ लेते हैं भैया। अगर इसको आप कैसे, वो गले का पट्टा तो नहीं होगा, बिकॉज आप तो अंदर ही रखते हैं, तो फिर अगर वो कॉलर मिल गया तो ये तेंदुआ को मार सकता है आराम से। सिंगल देखो तेंदुआ तो तेंदुआ ही हुआ, जंगली जानवर हुआ, मतलब ना वो खाली ऐसे मिथ है। लेकिन वो ग्रुप में मारते थे ना पहले तो, चार पांच कुत्ते मिलके भगाते थे भगा देंगे, और मतलब ऐसा है लड़ के बच के आ जाएगा ये नहीं, और अपने तो मवेशियों को नहीं नुकसान नहीं पहुंचेगा, अपनी जान जोखिम में डाल लेगा। ये होता है, इसकी पहचान क्या है, किसी को ये गद्दी डॉग या भोटिया डॉग लेना है तो चाहे टीएम हो, गद्दी हो, भोटिया हो, बाल बॉडी में जहाँ पे होते हैं जरूरी वहीं पे होने चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए। हाँ, एक्स्ट्रा जो चाइनीज टीएम है उनकी तो पूरी बॉडी कवर कर देते हैं आपके, और मुंह के आगे झलक पूरे आंखों में गिर रहे होते हैं, उनके पांव से लेकर पूरा मुंह तक सेम साइज रहता है बालों का। और दूसरा आईज जो है क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, क्योंकि इनका काम ही होता है दूर दूर तक देखना, होनी चाहिए ना आईज में, वो हाइब्रिड में आता है रेडनेस। हेड साइज तो यार जबरदस्त हेड साइज है। और भैया इसकी डाइट क्या रहती है, अगर आप डाइट में मतलब कहना है हम इसे, ये वेजिटेरियन डॉग है फुल, नॉनवेज एक 0%, नॉनवेज कुछ नहीं, इसकी मदर भी नहीं खाती थी ना फादर खाता था, तो देते तो खाता ही नहीं है, मतलब हमने फिर रखा ही नहीं। अच्छा, वेजिटेरियन मतलब अपना जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गई, सब्जी होगी, नॉर्मल जो आप खाते हैं वो खाता है, वो खाता है डाइट, और उसके अंडे वंडे कुछ नहीं, अंडे भी नहीं। अबे यार ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, इतनी लार्ज ब्रीड सिर्फ वेजिटेरियन डाइट पे, घर के डाइट पे इतनी बड़ी हो रखी है ये। सुबह हम टमाटर देते हैं इसे, टमाटर टमाटर खाता है यार ये, बड़ा सही है यार, पेट के वॉर्म्स वगैरह के लिए सही है। अच्छा टमाटर, आप पपीज भी सेल करते होंगे, मतलब करते हैं लेकिन हमारे ऐसे हॉबी ब्रीड है, ऐसा मतलब हो गए तो दे देते हो आप, मतलब हर साल करने बेचना है वाला चक्कर हमारा, मतलब ऐसा नहीं कि ये आपका बिजनेस है, ऐसा नहीं, हमारा शौक है। तो देखो यार ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे जो शौक के लिए डॉग पालते हैं, और उन्हीं के डॉगों में ना ऐसी क्वालिटी आएगी आपको। भैया ऐसा कि किसी को पप्स चाहिए तो वो आपको कॉन्टेक्ट कर सकता है कि कभी हुए तो, मतलब एडवांस में ऐसे बुकिंग कर सकता है क्या? अगर कोई शौकीन लोग इस टाइप के बैकग्राउंड देखते हैं हम, ऐसा नहीं कि कोई ब्रीडिंग के लिए ले जा रहा है ऐसे उसको नहीं दोगे आप, ब्रीडिंग नहीं, बंदा डॉग लवर होना चाहिए। हाँ। और थोड़ा आगे कोई दिक्कत ना हो, दिक्कत ना हो, ये सब चीजों का ध्यान रखना। कोई यूपी से, उड़ीसा से, असम से आपको कांटेक्ट कर रहा है तो ये उस जगह में यूपी, बिहार, ऐसी अहमदाबाद, गुजरात वगैरह में पल जाएंगे डॉग्स? थोड़ा वहाँ एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होगी ना गर्मियों में, गर्मियों में हाँ। मतलब रह सकता है, रह रहे हैं वहीं लोग, ब्रीडिंग कर रहे हैं पंजाब पंजाब में तो कर ही रहे हैं लोग ब्रीडिंग, तो गर्मी में डाइट चेंज होगी क्या? जैसे कि क्या होगी, ठंडी चीजें शामिल, जैसे कि दही, मट्ठा, पानी ज़्यादा देना है, थोड़ा कूलर वूलर चला देना है, बाल काटने की जरूरत पड़ेगी? नहीं नहीं, बाल तो खुद ही झड़े, खुद ही झड़े जाते हैं, बाल अपना मतलब ये अंदर का कोट ना खुद ही झाड़ देता है, खुद ही गिरा देता है। तो थोड़ा डाइट का आपको देखना पड़ेगा, थोड़ी ठंडी जगह में रखना पड़ेगा।
तो भैया इसके पपीज का कोई सीजन है कि कब होते हैं इसके पपीज, कुछ आइडिया है? मतलब अगर होते हैं तो नॉर्मली, क्योंकि मैंने सुना है कि भोटिया डॉग सिर्फ सीजन में एक ही बार पप्स, तो जनवरी वाले मौसम में। आपके पास जो डॉग्स के अगर पपीज हो गए बाय चांस, अगर आप कोई आपको कॉन्टेक्ट करता है तो क्या स्टार्टिंग जान पूछेंगे, ऐसे कोई एग्जैक्ट प्राइस नहीं जानना है, क्वालिटी के हिसाब से रहता है प्राइस। आपको देखो 10,000 से भी मिल जाएगा, 40-50-60,000 तक अलग अलग है, क्वालिटी और लाइन कौन सी लाइन है किस लाइन से है। तो यार हाँ, ऐसे फिगर एग्जैक्ट नहीं बताएंगे बिकॉज स्ट्राइक का भी इशू आता है भाई, तो आप इंस्टाग्राम में भैया से पूछ सकते हैं, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से आपको पपीज मिल जाएंगे, अच्छे रेट में मिल जाएंगे मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या कुछ, जैसे कहीं आप देखेंगे जो ब्रीडर्स होते हैं ना वो बेचने के लिए, बिजनेस के लिए, प्रॉफिट के लिए करते हैं, लेकिन भैया का काम ऐसा नहीं है, आपको अच्छे डिसेंट रेट में, और ये ऐसे नहीं कि हर किसी को जो पैसा देगा दे देंगे, जो भाई ख्याल रख सकता है, जो भैया के पास आएगा, और डिलीवरी वीलिवरी करते हैं जो आके ले जाना पड़ेगा, पहले हम कहते हैं डॉग देख लो, मेल फीमेल चेक कर लो, उसके बाद हमारा बिजनेस थोड़ी। ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे भैया की, कि आप यहाँ पे आओ, खुद मेल फीमेल देखो, फिर पपीज ले जाओ। एक्सरसाइज की कितनी जरूरत है, मतलब किसी ने कोई जैसे फ्लैट में अपार्टमेंट में रहते हैं, कोई जिनका घर नहीं, इतनी जगह नहीं है, पहाड़ नहीं है इतना बड़ा, देखो कितना बढ़िया पहाड़ है भैया के घर के आगे, ये देख लो आप, ठीक है, ये पहाड़ में रहते हैं भैया, ठीक है, ऐसा पहाड़ नहीं है, एक्सरसाइज की जगह नहीं है, तो वो ले सकता है इस डॉग को, क्या एक्सरसाइज की डिमांड करता है? अपार्टमेंट वाले अगर बहुत छोटी जगह है हाँ, तब तो नहीं रखना चाहिए, अगर अपार्टमेंट थोड़ा बहुत इसके लिए वैसी जगह हो हाँ, थोड़ा बहुत जगह हो, और उसके बाद आप वॉक वगैरह करवा दें, टाइम भी देना जरूरी ना, अपार्टमेंट में अगर रखा है अगर उसको टाइम देते हैं तब तो सही है, देना जरूरी है ना, तो एक्सरसाइज मांगती है, ऐसा नहीं कि अंदर अटेंशन भी मांगती है ना, अब इसको आप बात किया अकेले नहीं, खाली घुमा के ले आए, अच्छा प्यार मांगती है ब्रीड, क्योंकि कल भी मैंने एक वीडियो बनाया भोटिया पे, वो भी कह रहे हैं ये डॉग प्यार मांगता है, ये आदमियों के आसपास रहेगा, अब अकेले इसे बंद कर देंगे वैसे नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ये, क्या लग रहा है यार आप वीडियो में इसको उल्टा देख नहीं पाओगे जैसा असली में है, इसके पाँव का साइज देखोगे ना यार, भैया आपके पाँव से थोड़ा ही छोटा पतला होगा इसका पाँव एक तो भैया थोड़े पतले भी है ना, लेकिन तो काफी जबरदस्त साइज है भैया। आपने ये दो चेन से क्यों पकड़ा हुआ है, ऐसा कुछ सीजन है कभी कभी तोड़, मतलब ऐसा कोई रीजन है कि ये कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, काफी बड़े दौड़ लगाता नहीं, अच्छा जैसे इसने एक मोशन पकड़ लिया हाँ, तो फिर उसके बाद सिंगल हाथ भी नहीं रुके, कभी ऐसा हुआ कि चेन तोड़ दी, ऐसा हुआ चेन तो भाई इतनी स्ट्रेंथ होती है ना ये, आप ये चेन तोड़ देंगे डॉग्स, अगर सिंगल बात है तो सिंगल तोड़ देगा फर्स्ट टाइम जो डॉग ओनर्स हैं जिन्होंने आज तक कभी डॉग नहीं पाला वो फर्स्ट टाइम इनको प्यार हो गया इस डॉग से तो वो ले सकते हैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि बड़ी ब्रीड्स के लिए बोलते हैं कि जैसे रॉटवीलर हो गया आपको फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स को नहीं लेना चाहिए, कोई भी डॉग में ऐसा नहीं है, असल में अगर आप डॉग रखते हो तो उसको थोड़ा केयर वगैरह और आप टाइम देना टाइम देते हो तो उस हिसाब से एग्रेसिव होता है डॉग, टाइम देना जरूरी है। कुछ ब्लड में भी होता है जैसे कि इसके अंदर बाय ब्लड है ना भैया, कुछ ब्लड में भी होता है, मैं मानता हूँ कि एग्रेशन वगैरह बाय ब्लड होता है, ये जैसे बिल्कुल भी नहीं भौंका अभी तक हाँ। इसने एक बार भी बार्क नहीं किया दोस्तों, मैं आपको दिखाया था अभी तक, क्योंकि कितने डॉग होते हैं ना अगर मैं लाया होता, जैसे जर्मन शेपर्ड रॉनी आपने देखा होगा कितना भौंकता है यार, वो भौंकता ही रहता है, एक बार नहीं भौंका, इसने अपनी एनर्जी फालतू में वेस्ट नहीं करी है। मैं आपको बता दूं अभी भोले का टेम्परेचर 16 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, थोड़ा बहुत मतलब ठंडा है, ये अपनी एनर्जी प्रिजर्व करते हैं रात के लिए, तो देखो इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है। तो अब जाने की बारी आ गई इसको, अब भैया हम दिखाते हैं फीमेल ना, अब फीमेल दिखाते हैं, ये है फीमेल भैया, किसकी एज कितनी होगी अभी? बोला की सिस्टर है, बोला की सिस्टर है ये, तो मतलब उसी के बराबर है एज की, मतलब एक ही लेटर के बच्चे हैं हाँ, मतलब सिस्टर है तो सॉरी सॉरी है, तो इसकी क्रॉसिंग हमने इस ये गुड़गांव से कराई थी, अच्छा तो इसके बच्चे हो, कंसीव नहीं कर पाई इस बार, अच्छा नहीं कर पाई, तो ये है देखो भोला की सिस्टर, हम नीचे आ गए, थोड़ी बारिश भी होने लग गई है भवाली में, छींटे पड़ने लग गए हैं, आपको दिख रहे हैं अगर देखो ये बारिश के छींटे होने लग गए हैं, ये देखो इसकी इसके वो देखो इसका, मतलब ये मेल से ज़्यादा मेल के बराबर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ऐसा देख के लग रहा है कि दूसरे डॉग्स की जो हाँ। ब्रीड होती है उनके मेल के बराबर है ये, इसका देखो यार बोन साइज देखो, तो ये शैली है, काफ़ी क्यूट है, अच्छा ये हैली है, वो शैली है, शैली बीमार हो गई है, इनकी जो बड़ी जो फीमेल है ना वो बीमार हो रखी है, वो उसकी भी डेट भी सेम रहती है, कुछ ऐसा डिफरेंट है तो ये है ये शैली, ये मतलब अगर पप्स होते तो भोला के और इसके होते हैं ना, भोला के नहीं, ये तो डीसी से करवाई थी, भोला की सिस्टर है ये भी शैली भी भोला की सिस्टर है, ओ एक और ये देखो फीमेल, अच्छा यही है सूडो प्रेगनेंसी में चलेगी थी, तो इसका वेट अभी कितना कम हो गया और कितना 10 किलो वेट, 55 किलो की थी और 10 किलो वेट खत्म हो गया, मुझे बिल्कुल भोला का डुप्लीकेट लग रही है, साइज में थोड़ी सी कम है, और देखो यार सब हो गया, तो मैं इसकी 10 किलो वेट कम हुआ है, तो देखो यार इसका हेड साइज देख के आपको पता लग रहा होगा, जैसे हमारा
जो हमारी रॉक्सी थी आपने देखा होगा वो भी पतली हो गई थी। अच्छा शैली ऐसे मत देखो। तो भाई इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ये थे कन्नू भैया और ये थे भोला इनका डॉग। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और भैया को अगर फॉलो करना है नंबर तो मैंने आपको पहली बजा नीचे दे दूंगा और इंस्टाग्राम का भी आपका दे दूंगा ना। तो यार चलते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर कर लेना। टिल नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।